हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हीरत और आप देख रहे हैं मेरे और आपके चले देखो जानवर सीखो। आज मैं क्या दिखाने वाला हूँ वो आप सभी पहले से जान चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक पंपर से पुराना पंपर से एक ट्राईपॉड मतलब कि कैमरा स्टैंड बना के आप सभी को दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की और भी दिलचस्प वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, देखिए एक पुराना पंपर है जो पहले सूख चुका है, इसके पाइप भी फेंक चुकी है। देखिए पाइप नहीं है इस पंपर में, हैंडल भी फट चुका है। इस चाइना पंपर से मैं आप सभी को ट्राईपॉड बना के दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो पर। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि आप अगर इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पास वाले बेल आइकन दबा दीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कौन चीज़ कितने लाएगा और खर्च कितना होगा। तो देखिए टोटल 50 रुपीज़ लाएगा। पहले एक प्लास्टिक का गोल रिंग लेके सेम डिस्टेंस में 3 छेद करना पड़ेगा। इसमें से हम स्टैंड कैचर बनाएंगे। आप 3 छेद में 3 रिपीट डाल के 3 प्लास्टिक का टुकड़ा जोड़ना पड़ेगा। अब पंपर के अंदर के स्टील का रॉड निकल के सेम डिस्टेंस में 6 छेद करना पड़ेगा, 3 ऊपर 3 नीचे। अब उस छेद में अंदर से 3 स्क्रू डाल के 3 प्लास्टिक का टुकड़ा नार से जोड़ना पड़ेगा। अब सीधे प्लास्टिक को लाइटर से टेढ़ा करना पड़ेगा जिससे वो ट्राईपॉड के सभी पाइप को पकड़ के रख सके। अब पीवीसी पाइप के साइड में 2 बड़ा छेद करना पड़ेगा, इससे नट बोल्ट लगाना आसान होगा। इस तरह से और 2 करना पड़ेगा। अब आपकी ज़रूरत के अनुसार इसमें 1 बड़ा छेद करना पड़ेगा और 1 नट बोल्ट उसमें घुसाना पड़ेगा। इससे वो स्टील के रॉड को अटक के रखेगा, नीचे नामने नहीं देगा। अब आपकी ज़रूरत के अनुसार इसमें 1 बड़ा छेद करना पड़ेगा और 1 नट बोल्ट उसमें घुसाना पड़ेगा। इससे वो स्टील के रॉड को अटक के रखेगा, नीचे नामने नहीं देगा। अब 3 प्लास्टिक के टुकड़े पे 3 प्लास्टिक का कील घुसाना पड़ेगा और स्टैंड कैचर को नीचे से पंपर में घुसा के 3 छेद को जाम कर देना पड़ेगा। इससे स्टैंड कैचर बाहर नहीं आ पाएगा। अब पीवीसी पाइप में 3 छेद करके एक एक करके सभी पाइप को कैचर के साथ अच्छी तरह से जोड़ना पड़ेगा। देखिए हमारा स्टैंड खड़ा है। अब स्टील के रॉड को ऊपर से अंदर डालना पड़ेगा। अब स्टील के रॉड को ऊपर से अंदर डालना पड़ेगा। आप अपनी चाहत के अनुसार इसको कमा बढ़ा सकते हैं और फोल्ड करके बाहर भी ले जा सकते हैं तस्वीर खींचने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्टैंड बन गया है। अब मैं इसे मनचाही तस्वीर ले सकता हूँ और इसको यूज़ कर सकता हूँ।
फ्रेंड्स देख लिया ना पूरा वीडियो, आप जल्दी से बता दीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, और आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और देखते रहिए इस तरह के और भी वीडियो।